नमस्ते, मैं प्रीति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी के लड्डू बनाना बता रही हूँ। इसे रवे के लड्डू भी कहा जाता है। तो आइए देखें, इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम सूजी, इसे रवा भी कहते हैं, 250 ग्राम खोया, इसे मावा भी कहा जाता है, 250 ग्राम चीनी, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, 3 से 4 कुटी हुई इलायची, देसी घी और पानी। सबसे पहले हम मेवा तल लेते हैं। एक पैन में घी डालेंगे। घी गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम मेवा डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये कटे हुए बादाम डाल देंगे और काजू भी डालेंगे और मेवा को 2 मिनट तक हम धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। देखिए 2 मिनट बाद मेवा हल्की गुलाबी रंग की हो गई है। गैस बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। मेवा भूनने के बाद अब पैन में हम खोया भी भूनेंगे। खोए को भी हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 2 मिनट तक आप इसे भून लीजिए। देखिए खोए को भी हमने 2 मिनट तक भून लिया है। इसे बहुत अधिक गुलाबी या लाल रंग का नहीं करना है। बस 2 मिनट तक भूनने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। जिसमें हमने मेवा पहले से निकाल के रखी है उसी में ही हम ये खोया निकाल लेंगे। मेवा और खोया हमने तल लिया है, अब हम सूजी भूनेंगे। पैन में हम घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये सूजी डालेंगे। देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम ये सूजी डाल देंगे और आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हम गुलाबी रंग का भून लेंगे। देखिए सूजी का कलर अब चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। 250 ग्राम सूजी भूनने में हमें 10 मिनट लगा है। इसे मैंने धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भुना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम मेवा और खोया और सूजी जो हमने भून करके रखा है सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद फिर हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसी में हम ये 250 ग्राम चीनी डालेंगे। अब इसे खोलने देंगे। देखिए चाशनी खोलने लगी है। खोलने के बाद भी इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक और पकाया है ताकि इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए और तार बनने लगे। तार देखने के लिए आप इसको उंगली में बीच में ऐसे से करिएगा तो देखिए बीच में तार आता है। इसका मतलब है चाशनी बन करके तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये कुटी हुई इलायची डालेंगे, इसे भी मिला देंगे। आंच को हम तेज ही रखेंगे। अब इसमें हम ये जो हमने सूजी मावा और मेवे का मिश्रण बना के रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक फिर से पकाएंगे जिससे कि सूजी अच्छे से पक जाए। दो मिनट तक इसे मैंने 2 चाशनी में पका लिया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम लड्डू बनाएंगे। देखिए लड्डू का मिश्रण अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। करीब 2 घंटे लगे हैं इसे एकदम ठंडा होने में।
अगर आपको लगता है कि आपका मिश्रण अभी गीला है, चाशनी थोड़ी पतली रह गई है, तो आप इसे दोबारा गर्म करके अच्छे से एक दो मिनट तक फिर भून लीजिए और फिर ठंडा होने के लिए रखिए, तो आपका लड्डू आसानी से बन जाएगा। तो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि लड्डू आसानी से बन जाए। अब थोड़ा सा मिश्रण इसमें हाथ पे लेंगे और दबा करके छोटे बड़े जो भी साइज आप चाहते हो वैसा लड्डू आप बना लीजिए। देखिए आसानी से लड्डू बन रहे हैं, इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। स्वादिष्ट सूजी के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।